আগরতলা হিন্দি স্কুলে রবিবার বিজেপির বিশাল পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশাল সংখ্যক পৃষ্ঠা প্রমুখ কর্মকর্তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ নির্বাচনী প্রভারী মহেন্দ্র সিং এবং ছয় আগরতলা কেন্দ্রের প্রার্থী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় স্তরের সাংগঠনিক নেতারা। উপস্থিত কর্মকর্তাদের উৎসাহ আর উদ্দীপনাতেই বিজেপি দল নির্বাচনে জয়লাভ করবে বলে ভাষণে উল্লেখ করেন প্রদেশ নির্বাচনী প্রভারী মহেন্দ্র সিং। जितने यहाँ पर कार्यकर्ता इतनी बड़ी सभा में बैठे हो, इतना तो कांग्रेस की जनसभा भी नहीं होती जितना हमारे कार्यकर्ता बैठे। और इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूर देख करके मैं कहता हूं कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सबसे ज्यादा काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी के हैं, अरे पंचायत से लेकर वार्ड से लेकर के पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी है। और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर का भारत हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी का भारत हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत हो और चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে প্রগতির কথা উল্লেখ করে প্রদেশ নির্বাচনী প্রভারী জানান, ছয় আগরতলা কেন্দ্রেও মা বোনদের আশীর্বাদ আর কর্মকর্তাদের জোশে জয়লাভ করবে বিজেপি দল। और डबल इंजन की सरकार मिलेगी जिसमें त्रिपुरा नंबर एक का राज्य बनेगा, एक त्रिपुरा और शेष त्रिपुरा बन करके तैयार होगा। और इसलिए हम सब लोग मिलकर के बूथ की बैठक करेंगे, पृष्ठा प्रमुखों का काम को पूरा करेंगे, पोलिंग एजेंट बनाएंगे, एक एक घर को जाएंगे, हर मतदाता को अपने साथ में लाएंगे, कहीं कोई कमी होगी तो उसको पूरा करेंगे। जितनी बहनें हैं उन बहनों से कहना चाहता हूं, आप सब लोग पापिया बन जाइए, एक एक बहन हमारी पापिया बन जाए, दुर्गा बनके, काली बनके, सरस्वती बनके, अगर कोई कुछ बोलने की कोशिश करे तो काली का स्वरूप धारण कर लेना और पूरी तरीके से उसको समाप्त करने के लिए तैयार रहना। अगर कोई नम्रता और विनम्रता से आए तो उसको माँ सरस्वती के रूप में आशीर्वाद दे देना। নির্বাচনে ব্যাপক সাংগঠনিক উদ্যোগের মাধ্যমে বিজেপি প্রত্যেক ভোটারের কাছে পৌঁছবে বলে জানান তিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।